Hello friends, welcome back to your channel. This is Swana, I'm sorry. And the video is based on SBIJ memory based mock based on 5th January. Okay, jo hamara 5 January ko exam hua tha, uske base pe jaise memory based mock abhi मार्केडा ठीक है तो अभी वो बाद में करेंगे बट अगर पहले हम बात करते हैं गाइडली का मैंने गाइडली वाला आज मेमोरी बेस्ड मॉक लगाया था क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि गाइडली थोड़ा सा मतलब ऐसा रहता है मैंने फील किया कि मेमोरी बेस्ड जो मॉक होते हैं ना उनके फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री रहेंगे दूसरी चीज़ ये कि वो आपको ना बहुत एक्यूरेट वाले से देते हैं बाकी तो जो दे के आए हैं एग्जाम वही मुझे बता सकते हैं आप प्लीज़ बताइएगा कि एक्यूरेट है या नहीं है ये वाला मेमोरी बेस्ड मॉक एक बार अगर गो थ्रू करके भी बता पाओ जो 5 तारीख को या 6 को पेपर दे के आया है बाकी अब अगर मैं डिटेल में बात करती हूँ आई एम रियली सॉरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है इन दिनों में सो मैंने ये वाला SBI क्लर्क प्रीलिम्स यहाँ पे फर्स्ट आप देख रहे हो ना ये वाला लगाया था बेस्ड ऑन 5th वाला ठीक है अब बात करते हैं इसमें मेरा क्या स्कोर रहा या फिर मेरे क्या अटैम्प्ट रहे सो मैं इसमें व्यू रिजल्ट में ही जाती हूँ हेयर यू कैन सी आई गॉट 77.5 दैट इज़ नॉट इनफ टू क्रैक ओके एक तो आप UR से कैटेगरी से इक्वली बिलोंग करते हो ऊपर से फिर आप स्टेट भी ऐसे चूज़ कर रहे हो सो दैट्स वाई मुझे 80+ तो यहाँ पर स्कोर करना ही करना मैंडेटरी है इफ़ यू वॉन्ट जस्ट सिलेक्शन ओके मतलब प्री सिर्फ क्लियर भी करना है तो आपको पर ठीक है इसमें जो मेरी मिस्टेक्स रहीं वो मैं आपको बता देती हूँ और पेपर के अकॉर्डिंग भी मैं बताऊँ तो इंग्लिश क्या थी थोड़ी सी ईजी टू मॉडरेट है एग्जाम में ऐसा बोल रहे हैं लेकिन इस मॉक की जो मुझे इंग्लिश लगी ना वो ईजी टू मॉडरेट की बजाय मॉडरेट टू टफर साइड ज़्यादा लगी इस मेमोरी बेस्ड की इट में भी वो रीज़न हो सकता है क्योंकि इसमें ना जो वर्ड्स थे जो वोकैब थी वो काफ़ी भारी भारी दी हुई थी अगर आप में इस किसी ने लगाया है देन यू मस्ट नो ओके अब बात करते हैं इसमें रीजनिंग ही मेन दिक्कत वो इंग्लिश ही मेन दिक्कत रही है जिसमें मेरे स्कोर देखो 50-50 भाई मेरा पेपर है 5 दिन बाद और मैं 50-50 पे खेल रही हूँ इंग्लिश में कोई हाल है मेरे पर ठीक है हो जाएगा क्योंकि मैं अभी बीच में बहुत ऑफ थी कुछ आप बोल सकते हो हेल्थ इशूज़ की वजह से ही आज ही मैंने मॉक लगाया आफ्टर आप कह सकते हो 7-8-10 दिन बाद में ओके तो ये रहा इसमें मैथ्स में आई गॉट 34 आई अटेम्प्टेड 34 एंड आई गॉट 34 रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हो गया मुझसे एंड इसके बाद जो रीजनिंग मैंने 16 मिनट यहाँ पे देख सकते हो इतने में ही हो गई थी मैथ्स भी आपका 18 मिनट में हो गया था मेरा अब मैं बात करती हूँ अगर रीजनिंग या मैथ्स थोड़ा सा टफ साइड भी आ जाता है ना पेपर में तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि तुम ना कर लोगी क्योंकि टाइम भी तो थोड़ा सा ऐसा है ना कि ज़्यादा मिलेगा मुझे यहाँ पर मैं 16.5-18 मिनट में कर दे रही हूँ तो इट में भी वहाँ पे बाकी तो देखो भगवान भरोसे है थोड़ा किस्मत भी कहीं ना कहीं एक वर्क आपका करती है पेपर में रीजनिंग मैथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं इंग्लिश में आई थिंक मुझे थोड़ा सा अभी वर्क करने की नीड है इट में भी काफ़ी टाइम से जो रीडिंग हैबिट है वो छुटी हुई है तो अब 3-4 दिन मैं रीडिंग करूँगी ना अच्छी तो इट में भी हो जाएगी वो क्योंकि मुझे वही बात है ना मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अब बात करते हैं कि कौन से जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ इसमें आपको दिखाती हूँ चीज़ें जैसे जो क्वेश्चन मेरे गलत हुई है जो भी है से सी यहाँ पे जो वर्ड्स है ना वो नॉर्मल नहीं है अब यहाँ पे एक इनकर आया है वर्ड यहाँ पर जबकि ना इनकर आपको वर्ड ढूंढना है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है यहाँ पर उसको हाईलाइट करके नहीं दिया इन्होंने तो आपको पहले वर्ड ढूंढना होगा फिर उसका मीनिंग देखना होगा तो ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था अब देखो ये वाला क्वेश्चन आया था इसमें बोल्ड में है अब आप वर्ड देखो एक बार ठीक है और उसके बाद में ये वाला जब आप पैसेज देख रहे हो ना ये वाला इसमें आपको देखना है कि कौन से चेंज हो सकते हैं कंटेक्चुअली करेक्ट है उसके मतलब ठीक है तो ये वाला जो आप लेवल देख लो मुझे लग रहा है कि ऐसा पेपर में नहीं आ रहा है जो अब तक मैंने लोगों के मतलब सुने हैं उनके जो POVs रहे हैं पेपर के रिगार्डिंग उसमें तो ऐसा नहीं आ रहा है बाकी लेट्स सी खुद को थोड़ा सा और एनहेंस करते हैं उसकी जो मतलब इंग्लिश को लेकर बाकी सब सही चल रहा है और आप भी ये वाला मॉक अटैम्प्ट करो और बताओ कि आपका क्या स्कोर रहता है क्या नहीं रहता है और इसके अलावा अगर आपके पास मतलब आप गाइडली पे कोई भी चीज़ अब नहीं आपने परचेज़ किया है एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू परचेज तो मैं तो यही कहूँगी यहाँ पर आपको PDF कोर्स में ना आई एम रियली सॉरी जो प्रीमियम वाला है ना प्रीमियम वाले पे जाइएगा प्रीमियम PDF कोर्स इसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी ओके और जितना एक मतलब एक पर्सन को नीडेड है वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो एंड अदर देन दिस इफ़ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी और आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो कोड है AC12 आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा ओके सो थैंक यू सो मच गाइस टाटा टेक केयर ऑल द बेस्ट एंड इफ यू अटेम्प्टेड द सेम मॉक देन प्लीज शेयर योर मार्क्स थैंक यू